चलिए, स्वागत है आप सभी का। और बाल मनोविज्ञान के ऊपर हमारी लगातार क्लास हो रही है और आज हमारा सातवां क्लास है और इसी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें जो हैं जो आपको जानकारी देनी आवश्यक है। कुछ कमेंट्स और पर्सनल मैसेजेस मुझे ऐसे मिले हैं जिसमें एक डाउट बार बार पूछा गया है कि सर, जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा या नहीं होगा, है ना भाई? मतलब कि हमने आपको क्या कमिटमेंट किया है, हम छात्रावास अधीक्षक के संपूर्ण पाठ्यक्रम, देखिएगा जो नोटिफिकेशन आया है उसमें एक नया सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है? तो वो जो सिलेबस दिया हुआ है उसी सिलेबस के अनुसार संपूर्ण पाठ्यक्रम की क्लास आपको हम निरंतर उपलब्ध कराएंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो कोर्स कंप्लीट होगा। अभी आपका बाल मनोविज्ञान, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर की क्लास चल रही है। जैसे ही ये सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे तो हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और आपका जीएस की क्लासेस भी होंगी। तो जैसा सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग होगा। आप सभी को मेरी एक व्यक्तिगत सलाह है कि जो भी स्टूडेंट्स हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं वो जब भी आप स्टडी करें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करें। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा पर क्लियर कर दूं कि यूट्यूब चैनल में ही कई सारे इंस्टीट्यूट्स के, कई सारे टीचर्स के ऐसे लेक्चर देखे जो सिलेबस में है ही नहीं और उसकी क्लास वो उपलब्ध करा रहे हैं हॉस्टल वार्डन की तैयारी के लिए। जैसे बहुत सामान्य सा उदाहरण ले लूं, अनुपात एवं समानुपात की हम बात करें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैथमेटिक्स के सिलेबस में है ही नहीं। किसमें? हॉस्टल वार्डन में नहीं है, तो ये टॉपिक है ही नहीं। तो इसका क्वेश्चन करने की या प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है? कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, सिलेक्शन लेना और पढ़ना दोनों में बहुत डिफरेंस है। सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट्स का होता है जो सही पैटर्न में, सही डायरेक्शन में स्टडी करते हैं, तैयारी करते हैं, एंड बाय द सेम टाइम एग्जामिनेशन हॉल में पूरे की पूरी सजगता के साथ पढ़ी हुई चीजों का उपयोग करते हुए आंसर सेलेक्ट करते हैं, ठीक? थोड़ा सा समय आपका मैं लूंगा क्लास स्टार्ट करने के पहले, पर मैं समझता हूं, मैं जानता हूं कि इस बात को स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। यहां पर भी मैं नाम स्पष्ट नहीं करूंगा, 2 साल पहले की बात है, मेरी ही एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रही, ठीक है? बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रही, सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी उन्होंने की, हमारे यहाँ मेरे साथ तैयारी उन्होंने की, बहुत अच्छी तैयारी की, बहुत अच्छा स्टडी करती थी, पहली बार था तो लेवल ऑफ एनर्जी हाई था, डेडिकेशन अच्छा था, तो रेगुलर क्लासेस करते हुए रेगुलर स्टडीज के थ्रू बढ़िया तैयारी उन्होंने की थी। लेकिन जिस दिन उनका सीजीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हुआ तो जहां पर परीक्षा केंद्र था, जहां पर एग्जाम सेंटर था, वहां एग्जाम सेंटर में जिस टेबल में उनका सीटिंग था, जहां पर बैठ के उनको परीक्षा देनी थी, उसी टेबल में जो दूसरा कैंडिडेट था, बगल में एक और व्यक्ति था, वो भी प्रीलिम्स के एग्जाम में अपीयर हो रहा था। तो मेरी जो स्टूडेंट है उसने जो तैयारी कर रखी थी उसके बगल में जो दूसरा कैंडिडेट था, तो एग्जाम हॉल में एग्जाम शुरू होने से पहले इनके बीच आपस में बातचीत हुई और इन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं पहले ही सीजीपीएससी में नायब तहसीलदार के रूप में सेलेक्ट हो चुका हूं, ठीक है? नायब तहसीलदार के रूप में पहले ही सेलेक्ट हो चुका हूं, ऐसा इन्होंने अपना परिचय दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि एग्जामिनेशन हॉल में इन्होंने इनको जो भी सलाह दिए या उत्तर बताए उसको इन्होंने पूरी तरह से सत्य माना, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने अपने परिचय में बताया कि मैं पहले ही सीजीपीएससी में सेलेक्ट हो चुका हूं, नायब तहसीलदार हूं। अरे, बात समझ में? और परिणाम ये हुआ कि 100% इसके प्रीलियम्स निकलने की संभावना थी और वो प्रीलियम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया। बाद में मॉडल आंसर वगैरह चेक करने में समझ में आया कि जो भी उत्तर उनको इनके द्वारा बताए गए थे वो गलत थे। तो यहां पर
भरोसा आपको अपने स्वयं की तैयारी में करनी है, एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होना है और दुष्प्रभावित नहीं होना है, न ही प्रभावित होना है। स्वयं की तैयारी पे भरोसा रखें और स्वयं की तैयारी कैसे करें, सही पाठ्यक्रम के अनुसार करें, क्योंकि मिसगाइड होना बहुत बड़ी समस्या है और मिसगाइड किया जाता है, आपके आसपास के लोग करते हैं, आपके रूम पार्टनर्स करते हैं, कई जगह कई संस्थान या टीचर्स या कोचिंग्स में कई बार ऐसा होता है कि कभी टीचर्स के द्वारा ही जानबूझकर नहीं पर गलती से ही सही कभी कभी हो जाता है, तो इस चीज से बचकर रहना है। तो जैसा मैंने बताया 100% कमिटमेंट है मेरा, सिलेबस पूरा होगा और पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कोर्स कंप्लीट होगा। दूसरी बात, क्लासेस में थोड़ी शिथिलता आई है हमारी, इसको मैं स्वीकार करूंगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण पहला, अब लोकसभा चुनाव होने हैं, तो किसी भी परिस्थिति में 30 मई के पहले कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं होगी, तो हमें ये ज्ञान है कि अब हमारे पास पर्याप्त समय है, आपका कोर्स कंप्लीट करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है। हर हाल में 30 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच हम आपका हॉस्टल वार्डन का कोर्स पूरा का पूरा कंप्लीट करा देंगे। उसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा भी कहा कि सर एक दिन में 3-3 क्लास हो रही है तो हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कल से हम ऐसा कर रहे हैं कि कंप्यूटर और गणित की जो क्लास है इसको हम कर रहे हैं अल्टरनेट, मतलब दोनों की डेली एक एक क्लास होती थी, अब क्या है अल्टरनेट होगी। जैसे कल आपके गणित की क्लास होगी और ये दोपहर को 12 बजे यूट्यूब चैनल में अपलोड होगा, टेलीग्राम वगैरह में भी हम लिंक शेयर करेंगे, और परसों जो है फिर आपके कंप्यूटर की क्लास होगी 12 बजे। तो डेली 12 बजे कंप्यूटर और मैथ्स की क्लास अपलोड होगी लेकिन अल्टरनेट डेज पे, और बाल मनोविज्ञान रात को 9 बजे जो चल रहा है वो प्रतिदिन वैसे ही चलता रहेगा। कभी किसी दिन क्लास नहीं हो पाती, उसका एक कारण तो वेदर होता है कि मौसम वगैरह खराब होता है तो क्लास समय पे रिकॉर्ड नहीं हो पाता, तो वो उपलब्ध नहीं हो पाता, तो ये सब समस्याएं आती रहेंगी। और पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, क्या मत सोचो कि जिंदगी बोझ है, हमेशा खुश रहो क्योंकि समस्या तो रोज है। तो जो भी स्टूडेंट्स हम पर भरोसा करके हमारे साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरा वायदा है, कमिटमेंट है, हर हाल में आपका कोर्स कंप्लीट होगा, 100% आपकी तैयारी होगी। और किसी भी प्रकार से यदि आपका समर्पण पूरा है तो हम सिलेबस वाइज ही चलेंगे, आपका समर्पण पूरा है तो निश्चित तौर में आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी तक मेरे और सौरभ सर द्वारा जितनी भी क्लासेस ली गई हैं, किसी भी क्लास को आप जाके उठा के देखिए और किसी भी क्लास में काम का सिलेबस का कंटेंट नहीं होगा तो मुझे पर्सनल मैसेज करके आप बताइएगा। ठीक, एक डाउट मेरे पास और ये आया है कि एप्लीकेशन में हमने आपको हॉस्टल वार्डन का ऑनलाइन कोर्स और टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराया है, ठीक है, तो उसमें स्टूडेंट्स इसकी जो फी है वो 99 रुपीज है, 99 इसकी फीस है। तो कई स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि हर महीने हमको फी देना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो फी है ये वन टाइम है और लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसकी, मतलब आज से 2 साल बाद भी हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होना है, 2 साल बाद भी हॉस्टल वार्डन का एग्जाम यदि होता है तो इस कंटेंट के लिए आपको दोबारा किसी भी प्रकार से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसी 99 में आपको कंप्लीट कंटेंट और टेस्ट सीरीज मिलेगा, और जिस क्वालिटी और फीस के साथ हम आपको कंटेंट दे रहे हैं ना, पूरे छत्तीसगढ़ में कोई भी इस लेवल पे और इतनी कम फीस में आपको उपलब्ध नहीं करा रहा है, आप क्रॉस चेक करके देख लीजिए, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। ठीक है, तो मेरा सलाह होगा कि जितनी जल्दी हो सके इसको आप जरूर ज्वाइन करके अपने पास रख लें, इससे पहले कि बाद में फीस में वृद्धि हो। ठीक, तो ये 2-3 बातें थी। मैं मानता हूं कि क्लास का थोड़ा समय यहां पर लगा लेकिन बताना आवश्यक था, और आत्मविश्वास का बना होना बहुत आवश्यक है हमारी तैयारी के लिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी से हमको जूझना ना पड़े। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यक्तित्व की अवधारणा। तो पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था सिलेबस में क्या मेंशन है,
बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा। बुद्धि बुद्धि की अवधारणा के ऊपर पिछली क्लास में हम बात किए थे। आज का जो हमारा पोर्शन है वो है क्या है, व्यक्तित्व की अवधारणा। ठीक है, सिद्धांत वगैरह को हम नहीं पढ़ेंगे, व्यक्तित्व के मापन को भी हम नहीं पढ़ेंगे, आंशिक जानकारी मैं आपको दूंगा। व्यक्तित्व की अवधारणा के ऊपर हम पूरी का पूरा चर्चा करेंगे, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो व्यक्तित्व जो है ये क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक शब्द में यदि आपको पूछा जाए कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, तो जो बाहरी दिखावा है, जो बाहरी आवरण है मानव शरीर का, वही व्यक्तित्व है। ठीक है, जो बाहरी दिखावा है, जो बाहरी आवरण है, वही व्यक्तित्व है। ये किस प्रकार से हो सकता है या किस प्रकार से यह तथ्य स्पष्ट हुआ इसको देखिएगा। तो यहां पर आपका एक शब्द है पर्सनालिटी। ठीक है, ये पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी में ये जो वर्ड है इसको मैं ब्रेक करता हूं परसोना। ठीक है, पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि ये लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा का शब्द है परसोना। ठीक है, तो परसोना शब्द से ही पर्सनालिटी बना हुआ है, और इस परसोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा। क्या होता है, मुखौटा या बाहरी आवरण। परसोना शब्द का अर्थ क्या होता है, मुखौटा या बाहरी आवरण। ठीक है, तो ये माना गया पर्सनालिटी को या फिर व्यक्तित्व को कि इसका जो संबंध है वह व्यक्ति के बाहरी दिखावे से है, उसके मुखौटे से है जिसको वह प्रदर्शित करता है, दिखाता है। लेकिन यह जो बाहरी आवरण है, यह जो मुखौटा है, ये किसके आधार पर होता है, तो उस व्यक्ति के गुणों के आधार पर होता है। उस व्यक्ति के गुणों के आधार पर यह बाहरी आवरण या दिखावा जो है स्पष्ट होता है। यही व्यक्तित्व है, यही व्यक्तित्व है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से व्यक्तित्व को परिभाषित किया है, तो इसलिए उनके नाम के साथ उनके डेफिनेशन को समझना पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नोट्स जो है वो टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा, द CGPSC कोच ग्रुप में, एप्लीकेशन में भी नोट्स अपलोड होगा, और बहुत जल्दी हॉस्टल वार्डन की जो बुक है वो आपको उपलब्ध होगी। बहुत तेजी से भी उस पर काम चल रहा है। ठीक है, तो अब देखिएगा, मेरा प्रयास है कि कोर्स हाफ कंप्लीट हो और तब तक हमारी बुक आ जाए। कारण यह है कि जब आपके हाथ में हमारी बुक होगी ना, तो आपको क्लास करने में आज की तुलना में 10 गुना मजा आएगा। और एग्जाम में टाइम है, ये क्लासेस आप देख चुके हैं तो भी दोबारा देखिएगा जब बुक आपके पास पहुंच जाए तो। ठीक, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया हुआ है। तो इसमें देखिएगा, गिलफोर्ड के अनुसार, है ना, गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है ना भाई। अभी मैंने बताया आपको परसोना, मुखौटा, बाहरी दिखावा, तो बाहरी दिखावा भी किस आधार पर होगा, तो उसका स्वयं उस व्यक्ति के अंदर जो गुण है वही उसका आधार बनेगा। ठीक है, तो जो गुण है उसी के आधार पर, इसलिए गिलफोर्ड ने व्यक्तित्व को किस प्रकार से परिभाषित किया, तो व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। ठीक है, तो समन्वित रूप शब्द से ध्यान रखेंगे। जबकि वुडवर्थ के डेफिनेशन के अनुसार हम बात करें तो व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। तो समन्वित रूप के लिए गिलफोर्ड को पकड़ना है। यदि समग्र विशेषता वाली बात करें तो वुडवर्थ का नाम आपको सेलेक्ट करना है। फिर देखें NL मन के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है, तो व्यक्तित्व की परिभाषा व्यक्तित्व के ढांचे, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, मनोवृत्तियों, सामर्थ्यों, योग्यताओं, अभिरुचियों के सर्वाधिक विशिष्ट संगठन के रूप में की जा सकती है। तो इस तरह से व्यक्तित्व को व्यापक रूप से परिभाषित किया जा सकता है। किसके अनुसार, NL मन के अनुसार। ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तित्व की दी हुई परिभाषा है, डेफिनेशन है। फिर इसमें देखिएगा, बिग और हंट के अनुसार हम बात करें तो व्यक्तित्व क्या है, तो किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान, इसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है। यही क्या है, व्यक्तित्व है।
मार्टन प्रिंस के अनुसार हम बात करें तो व्यक्तित्व समस्त शारीरिक तथा अर्जित वृत्तियों का योग है, ये व्यक्तित्व है। एस सिवारेन की हम बात करें तो व्यक्तित्व के विकास की किसी भी अवस्था में होने वाला समग्र मानसिक संगठन है। तो समग्र मानसिक संगठन है, ऐसा किसने कहा? एस सिवरेन ने कहा। तो ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तित्व की अवधारणा के अंतर्गत व्यक्तित्व को परिभाषित किया गया है। तो स्टेटमेंट और नाम दोनों आपको एक बार दो बार पढ़ करके याद रखना है, प्रश्न कहीं से भी हो सकता है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, जो हमारी ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज अच्छे खासे क्वेश्चंस का कलेक्शन किया जा रहा है, नए सभी संभावित क्वेश्चंस क्रिएट करके सम्मिलित किए जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव बुक की एक सिंगल प्रैक्टिस जो है ना आपके लिए मतलब कि सोने पे सुहागा का काम करेगी, यदि आप रेगुलर क्लास के साथ स्टडीज कर रहे हैं तो। तो इस तरह से 1937 में बहुत सारे डेफिनेशंस है ना, बहुत सारे डेफिनेशंस को देखते हुए 1937 में अल्पोर्ट ने व्यक्तित्व को परिभाषित किया। बहुत सारे डेफिनेशंस के आधार पर अल्पोर्ट ने 1937 में व्यक्तित्व को परिभाषित किया। क्या कहा? व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है, जो परिवेश के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। ठीक है, क्या? एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है, आ रही बात समझ में? लेकिन 1961 में इन्होंने स्वयं द्वारा दी गई परिभाषा में परिवर्तन किया और वातावरण के साथ अनूठा समायोजन को हटाते हुए विशिष्ट व्यवहार तथा विचार में परिवर्तित किया। ठीक है, तो अब डेफिनेशन क्या हो गया? व्यक्ति के अंदर मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है व्यक्तित्व, जो परिवेश के साथ उसके विशिष्ट व्यवहार तथा विचार को स्थापित करता है। आ रही बात समझ में? तो 1961 में अपने ही डेफिनेशन में वातावरण के साथ अनूठा समायोजन को हटाते हुए विशिष्ट व्यवहार तथा विचार को इन्होंने जोड़ा और इस तरह से व्यक्तित्व को परिभाषित किया। आ रही बात समझ में? अभी हम डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी के ऊपर बात कर रहे हैं व्यक्तित्व की अवधारणा के अंतर्गत। तो ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए हुए स्टेटमेंट हुए। अब हम देखते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। अब हम देखते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिएगा अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के प्रकार टाइप ऑफ पर्सनालिटी में अलग अलग आधार पर बहुत सारी जानकारी दी है और उस सभी को हम विस्तार से अभी देखेंगे कि क्योंकि सिलेबस में सिर्फ अवधारणा है और हर हाल में एक प्रश्न व्यक्तित्व की अवधारणा से पूछा जाएगा, वह एक प्रश्न कहीं से भी हो सकता है, पर इतना जरूर है कि आज की क्लास के अंदर ही होगा, आज की क्लास के बाहर वो एक प्रश्न नहीं होगा, ये 100% है। तो हम पूरा का पूरा पोर्शन देखेंगे। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से व्यक्तित्व के को उसके प्रकारों में विभाजित किया हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं किसकी बात करते हैं, यूनानी चिकित्सक हिपोक्रेट्स। तो आपको ना नाम के साथ इसको याद रखना है ना भाई, और आधार भी याद रखना है। क्या आधार भी याद रखना है? तो ये देखिएगा मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है, यूनानी चिकित्सक हिपोक्रेट्स ने किस आधार पर, इन्होंने शारीरिक द्रवों के आधार पर। तो व्यक्तित्व को कितने प्रकार में या व्यक्तित्व को चार प्रकार में किस आधार पर हिप्पोक्रेट्स ने बांटा है या वर्गीकृत किया है, तो शारीरिक द्रवों के आधार पर। व्यक्तित्व को विभाजित करने का हिप्पोक्रेट्स का आधार क्या था? तो शारीरिक द्रव आधार था। तो शारीरिक द्रव के आधार पर इस तरह से प्रश्न बनते हैं, जैसा मैं आपके सामने अभी प्रोनाउंस कर रहा हूं, बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, शारीरिक द्रव के आधार पर चार भागों में इन्होंने विभाजित किया है। कितने भागों में? चार भागों में। तो हिप्पोक्रेट्स शारीरिक द्रव चार भागों में इन्होंने विभाजित किया है। अब ये चार भाग क्या है आपके सामने लिखे हुए हैं, ये चार भाग क्या हैं? ठीक है, यहीं से ही आपको इसको समझने का प्रयास करना है। तो देखिएगा
शारीरिक द्रव के आधार पर हिप्पोक्रेट्स ने चार भागों में वर्गीकृत किया हुआ है व्यक्तित्व को। व्यक्तित्व के प्रकार के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें एक है भाव शून्य, एक है भाव शून्य। तो जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व भाव शून्य होता है, जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व भाव शून्य होता है, हिप्पोक्रेट्स के अनुसार जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व भाव शून्य होता है वे धीमे, निष्क्रिय तथा निरुत्साही होते हैं। वे धीमे, निष्क्रिय तथा निरुत्साही होते हैं। अब देखिएगा आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, स्वयं का आकलन करके कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, यदि आपको आदत है किसी काम को धीरे धीरे करने की, यदि आपको आदत है कि हमेशा आप निष्क्रिय रहते हैं कि बेटा एक गिलास पानी ला, लावत हूं और लावत हूं बोल के अपना बैठे रहे, धीरे धीरे वो फोन चलाते रहे और फिर 10 मिनट बाद बोले पानी काहे नहीं लाए, हाँ हाँ लावत हूं, हाँ हाँ लावत हूं करके गए और फिर अपने रूम में जाकर के सो गए। हरी बात समझ में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, धीमे व्यक्तित्व का उदाहरण हुआ, है ना। निष्क्रिय मतलब किसी भी काम को करने में रहन दो ना, छोड़ो ना, अब बीच करने की क्या जरूरत है, कल बिहन्ना करवो, कल संध्या करवो। अरे बात समझ में, मतलब टालने की आदत, निष्क्रिय, निरुत्साही, कि ऐसे व्यक्तियों से मिलने के बाद आपको भी एनर्जेटिक फील ना हो, किसी भी काम को लेकर के कोई उत्साह ना हो, काम को काम की तरह नहीं मजबूरी की तरह करे। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपका जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है। व्यक्तित्व के प्रकार बताने का काम यहाँ पे मैं कर रहा हूं, हरी बात समझ में। तो ये देखिएगा, धीमे, निष्क्रिय या निरुत्साही व्यक्तित्व जिस व्यक्ति का है वो भाव शून्य व्यक्तित्व की श्रेणी में आएगा हिप्पोक्रेट्स के अनुसार। इन्होंने शारीरिक द्रवों के आधार पर व्यक्तित्व को चार भागों में बांटा है। क्रोधी, क्रोधी अति उत्तेजक स्वभाव। अब क्रोध या गुस्सा का उदाहरण देने की मेरे को आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ऐसे उदाहरण आपके आसपास ही हर हाल में पर्याप्त मात्रा में होंगे, पर्याप्त मात्रा में होंगे बिल्कुल। मतलब आपके आसपास एक दो व्यक्ति तो ऐसे जरूर होंगे जो बिना बात के गुस्सा जाते हो, ठीक है, बिना कारण का गुस्सा, और फिर मनाते रहो मनाते रहो मनाते रहो, जब तक क्षमता है तब तक मनाते रहो, नहीं तो फिर आपके अंदर कभी गुस्सा सामने आ जाएगा। हरी बात सच में। तो क्रोधी स्वभाव ये एक प्रकार हुआ। रक्तवर्ण है ना, ये सकारात्मक पक्ष है, आशावादी, क्रियाशाल, क्रियाशाली और प्रसन्नचित, हमेशा उम्मीद रखते हैं, होप होता है पॉजिटिव, क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील है ये, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, और प्रसन्नचित्त होते हैं, खुश रहते हैं। मैं कह सकता हूं कि मेरा जो व्यक्तित्व है ना वो इस प्रकार का है। परिस्थितियां कितनी भी खराब हो और कितना भी नुकसान हो ना जाए, मैं हमेशा, मेरी कोशिश रहती है, इवन मेरे आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी मेरी यही प्रयास होता, यही प्रयास होता, यही कोशिश रहती है, अभी भी संभावना है, फिर से करते हैं, दोबारा करते हैं, एक बार और करते हैं, ठीक है। ये नहीं हो रहा है तो इस तरीके से नहीं हो रहा है तो दूसरे तरीके से होगा, पर होगा जरूर। और यही सकारात्मक पक्ष मैं अपनी क्लासेस के माध्यम से आप सभी तक लगातार पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप अभी कहां हैं, नहीं फर्क पड़ता, कितना काम दिन भर आपको करना पड़ रहा है, नहीं फर्क पड़ता। यदि आप में सिलेक्शन लेने का जुनून है ना, तो इतना काम करने के बाद, ड्यूटी करने के बाद, बहुत सारी थकावट के बाद भी पढ़ने के लिए आपके अंदर एनर्जी आएगी, मैं कहता हूं आएगी, मैं अपनी एनर्जी आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, आप कोशिश तो करके देखिए, ठीक है। तो परिस्थितियों से समझौता करके हारना नहीं है, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, परिस्थितियों को स्वीकारना है और परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए अपने लिए रास्ता बनाना है। तो आशावादी, क्रियाशील, हर परिस्थिति में काम कर रहे हैं, काम करना नहीं छोड़े, क्रियाशील हैं, प्रसन्न चित्त हैं, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत है, दुख है, तकलीफ है, लेकिन खुश हैं।
अभी बात समझ में। तो ये रक्त वर्ण ये भी एक व्यक्तित्व का प्रकार है हिप्पोक्रेट्स के अनुसार, शारीरिक द्रव के आधार पर। ठीक है, यहां पर शारीरिक द्रव मतलब क्या? तो देखिएगा, शरीर के अंदर जो मनोभाव वगैरह हैं, वो जो आपके व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। शारीरिक बनावट के आधार पर भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, फिर देखिएगा उदासीन, निराश, उदासीन तथा दुखी व्यक्ति। तो जो व्यक्ति निराश अधिकतर रहता है, उदासीन रहता है या दुखी रहता है, तो उसका जो व्यक्तित्व होगा वो उदासीन प्रकार का होगा हिप्पोक्रेट्स के अनुसार। शारीरिक द्रव के आधार पर इन्होंने चार भागों में वर्गीकृत किया है। अब दुखी का उदाहरण देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, हम में से सभी के पास लगभग किसी न किसी प्रकार का दुख है। कुछ उस दुख का आनंद उठाते हैं और कुछ उस दुख में और दुखी होते हैं, वो कैटेगरी अलग अलग है और उसी व्यक्तित्व के प्रकार के ऊपर हम क्लास में चर्चा कर रहे हैं, उदासीन, निराश। अब हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे सोचते हो कि नहीं यार, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं कितना भी पढ़ लूं मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो जो लोग सिलेक्ट होते हैं ना, वो दूसरे ग्रह से नहीं आते हैं या वो किसी अलग प्रकार का भोजन नहीं ग्रहण करते, जैसा सामान्य भोजन आपका है वैसा ही उनका भी रहता है। इवन कई बार तो ऐसे भी स्टूडेंट्स बहुत कुछ करके दिखाते हैं जिनके पास साधन और सुविधाएं भी नहीं होती। ठीक है, मेरी ही चैनल में देखिएगा, एक स्टूडेंट की स्टोरी मैंने शेयर की हुई है, मतलब सुविधाएं नहीं होने के बावजूद वो डिप्टी कलेक्टर के पद पर सिलेक्ट हुए। ठीक है, तो संभव है, असंभव बिल्कुल नहीं है। ये चार प्रकार का व्यक्तित्व का प्रकार शारीरिक द्रव के आधार पर हिप्पोक्रेट्स के अनुसार। ठीक है, फिर हिप्पोक्रेट्स के अनुसार फिर हम देखेंगे इसको आगे। दूसरा देखिएगा क्रेचमर, तो क्रेचमर की बुक रही, ठीक है, साइकी एंड कैरेक्टर। तो इन्होंने अपनी बुक में व्यक्तित्व को तीन भागों में बांटा है। प्रश्न बनता है कि क्रेचनर ने व्यक्तित्व को कितने प्रकार में बांटा है, तो तीन प्रकार में बांटा है। अब वो तीन प्रकार में वर्गीकृत का आधार क्या है, तो क्रेचनर का जो आधार है वो है शारीरिक संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? शारीरिक संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। तो क्रेचमर की हम बात करें तो इन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में बांटा है। देखिएगा, नाम याद रखना है क्या, क्रेचमर। इन्होंने किस आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया है? तो इन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को विभाजित किया है। अब वो शारीरिक संरचना के आधार पर कितने प्रकार में विभाजित किया है? तो तीन प्रकार में विभाजित किया है। एक प्रकार है एस्थेनिक, एस्थेनिक कृशकाय, लंबकाय, लंबे दुबले पतले कमजोर शरीर वाले व्यक्ति, एस्थेनिक। एथेटिक, पुष्टकाय, सुडोलकाय, सबल, मजबूत, सुगठित मांसपेशियां या इस तरह के शरीर वाले व्यक्ति, उनका व्यक्तित्व। ठीक है, एक है पिकनिक, मतलब स्थूल काय, गोल काय, गोल मटोल, तोंदुल, नाटे। ठीक है, इस प्रकार के व्यक्तित्व। तो पिकनिक, एथेटिक और एस्थेनिक, तीन प्रकार के व्यक्तित्व में कृष्णर ने बांटा है व्यक्तित्व के तीन प्रकार। ये आधार क्या है इनका? शारीरिक संरचना है। तो नाटा मतलब जिसकी हाइट औसत से कम हो, मोटा मतलब आयु और ऊंचाई के मुताबिक शरीर का वजन या फैलाव ज्यादा हो। ठीक है, पतला मतलब आयु और शरीर की ऊंचाई के मुताबिक वजन जो है, वेट जो है वो कम हो, सुकड़ा हुआ हो। तो पतला किसको बोलते हैं, मोटा किसको बोलते हैं, नाटा किसको बोलते हैं, लंबा किसको बोलते हैं, ये स्मार्ट किसको बोलते हैं, ये सारे शब्दों से आप भली भांति परिचित हो, है ना भैया। नए शब्द जिसका परिचय आज मैं आपसे करवा रहा हूं वो क्या है? एस्थेनिक, एथेटिक और पिकनिक। शारीरिक संरचना के आधार पर क्रेचमर ने व्यक्तित्व को तीन भागों में बांटा है। ये तीन भाग कौन से हैं और ये तीन भाग किस प्रकार का वर्गीकरण है, वो भी आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, तो दुबले पतले लंबे या कमजोर शरीर एस्थेनिक की कैटेगरी में आ रहे हैं। जो सामान्य सुगठित मजबूत शरीर है वो जो है एथेटिक की कैटेगरी में आ रहा है। और स्थूल का गोल मटोल तोंदुल या फिर नाटे शरीर वाले जो व्यक्ति हैं वो पिकनिक की कैटेगरी में आ रहे हैं। ये इस प्रकार शारीरिक संरचना के आधार पर क्रिचमर ने इसको डिवाइड किया है 3 भाग में व्यक्तित्व को। ठीक, अब देखिएगा सेल्डन, सेल्डन तो सेल्डन ने शारीरिक रचना, संरचना और रचना थोड़ा सा अंतर है। संरचना में शरीर के बाहरी भाग के साथ साथ आंतरिक भाग भी होगा और रचना में शरीर का बाहरी भाग ही होगा। तो यहां पर देखिएगा सेल्डन ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, तो इन्होंने भी 3 प्रकार में बांटा है। इनका आधार क्या है? आधार है शारीरिक रचना, गोलाकार व्यक्तित्व, कोमल तथा गोल शरीर वाले व्यक्ति, कोमल तथा गोल शरीर वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व सेल्डन के अनुसार कैसा होगा? तो गोलाकार व्यक्तित्व होगा। फिर आयताकार है ना भाई, आयताकार शक्तिशाली तथा हस्तपुष्ट शरीर वाले व्यक्ति, ये आयताकार व्यक्तित्व का प्रकार होगा सेल्डन के मुताबिक। लंबाकार मतलब कि शक्तिहीन लंबे तथा पतले व्यक्ति, शक्तिहीन लंबे तथा पतले व्यक्ति, ठीक है, ये लंबाकार व्यक्तित्व का प्रकार होगा सेल्डन के मुताबिक। तो इन्होंने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया। ठीक है, फिर हम बात करें जर्मन मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग के बारे में। तो कार्ल युंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर, देखिएगा महत्वपूर्ण है, नई चीज आई है, क्या सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर 3 भागों में बांटा है। तो व्यक्तित्व को सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर वर्गीकृत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो नाम याद रखिएगा कार्ल युंग। कार्ल युंग ने क्या सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, ये 3 भाग क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर अंतर्मुखी, अंतर्मुखी मतलब ऐसे व्यक्ति जो अधिकतर अपने में ही रहते हैं, ठीक है, संकोची, एकांत प्रिय, आत्मकेंद्रित, असामाजिक, इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं। तो अंतर्मुखी व्यक्ति जो है ना अपने में ही अधिकतर रहता है और बाहर घूमना फिरना, बाहरी लोगों से मिलना, अनजान व्यक्तियों से मिलना, उनसे बात करना, अनुभवों को साझा करना, ज्ञानार्जन करना, इन सब चीजों में उसे संकोच होता है, समस्या होती है, आत्मविश्वास नहीं होता। तो मेरा तो हमेशा से सलाह है कि अंतर्मुखी होने से बचे। ठीक है, तो एक व्यक्तित्व का प्रकार हुआ अंतर्मुखी। कार्ल युंग के अनुसार इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर 3 भागों में व्यक्तित्व को बांटा है। दूसरा हुआ बहिर्मुखी, अंतर्मुखी के ठीक विपरीत वाक्पटु होंगे, मतलब बोलना आता है, बोलना पसंद करते हैं, बात करना पसंद करते हैं और बात करना आता भी है, लोकप्रिय हैं, कुशल तथा सामाजिक व्यवहार इनका कुशल होता है, अच्छा होता है, सामाजिक स्तर पर इनकी जान पहचान, पूछ परख, इनका इन्वॉल्वेशन अच्छा होता है। ये बहिर्मुखी प्रकार हुआ व्यक्तित्व का सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर कार्ल युंग के अनुसार। और उभयमुखी विकासोन्मुखी व्यक्ति जो लगातार विकास की तरफ अग्रसर होने के लिए प्रयासरत रहता है, ठीक है, और आवश्यकता अनुसार, ऐसे व्यक्ति के अंदर दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, आवश्यकता अनुसार जब जहां जिस प्रकार की आवश्यकता हो। एकांत प्रिय होना कोई नकारात्मक गुण नहीं है, ठीक है, ये सकारात्मक है, लेकिन एकांत प्रिय होकर के आप उस समय का किस प्रकार से उपयोग करते हो ये मायने रखता है। क्योंकि जब भी कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना हो तो सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो एकांत की होती है, सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो एकांत की होती है, ठीक है। तो जैसे बहुत सामान्य सी बात है, जब अच्छा खासा, जैसे मैं ही आपकी क्लास ले रहा हूं तो आपका सिलेबस है, आपका कंटेंट है, एग्जामिनेशन पर्पस है, जब अकेले बैठ करके इसके बारे में बढ़िया चिंतन मनन करता हूं
तो अच्छे से बताते समझाते बनता है, और जो भी कंटेंट होता है उसमें आत्मविश्वास होता है। मतलब किसी भी प्रकार से दिग्भ्रमित करने वाली बात, गलत मार्गदर्शन देने वाली बात नहीं रहती, है ना भाई। लेकिन यदि एकांत होकर के सही दिशा में अपनी ऊर्जा को न लगाएं तो फिर क्या होगा, फिर वही इधर उधर की बात हो जाएगी। और जो कंटेंट है, जो आपको पढ़ना है, जो आपको तैयारी करना है, उसमें वैसा गुण नहीं होगा जैसा परीक्षा के दृष्टिकोण से होना चाहिए, ठीक है। तो एकांत प्रिय होना नकारात्मक गुण नहीं है, वो सकारात्मक है, बशर्ते उसका उपयोग आप कैसे करते हैं। तो उभयमुखी एक तीसरा प्रकार हुआ कार्ल यंग के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व का। ऐसे जो व्यक्ति हैं वो विकासोन्मुखी व्यक्तित्व अपने अंदर रखते हैं, ठीक। फिर देखिएगा अंतर्मुखी या बहिर्मुखी व्यक्तित्व की तुलना की जाए तो ये थोड़ा सा कंटेंट मैंने आपकी जानकारी के लिए आपके सामने रखा है। अंतर्मुखी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं या बहिर्मुखी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं, ये एक प्रश्न बनता है। या फिर इनमें से क्या आपस में संबंधित नहीं है, तो ऐसा प्रश्न पूछना हो तो तीन वर्ड यहां का लिख देगा और एक लिख देगा यहां से। अरे बस समझ में। तो अब तीन यदि ये है तो सम, एक यदि ये है तो ये इससे संबंधित नहीं है, ये अंतर्मुखी के गुण है, वो बहिर्मुखी के गुण है। या फिर तीन यहां पर का है और एक यहां पर का है तो ये जो एक है वो इस तीन से संबंधित नहीं है क्योंकि ये अंतर्मुखी का गुण है, वो बहिर्मुखी का गुण है। इस तरह के भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस दृष्टिकोण से अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्ति की तुलना उसके गुणों के आधार पर ये मैंने आपके सामने रखा हुआ है। अंतर्मुखी व्यक्ति संकोची लज्जाशील होता है जबकि बहिर्मुखी व्यक्ति में वाक्पटुता अधिक होती है, ठीक है। चिंतित प्रवृत्ति का होता है जबकि बहिर्मुखी व्यक्ति चिंता मुक्त होता है। जैसे मैंने ही बताया बात, कोई बात नहीं, परेशानी किसी भी प्रकार से हो देख लेंगे, समाधान निकलेगा, है ना। चिंता करके स्वयं के शरीर को, मस्तिष्क को तकलीफ देने की आवश्यकता नहीं है। आत्म केंद्रित होते हैं जबकि बहिर्मुखी व्यक्ति लोकप्रिय होते हैं। विनम्र स्वभाव होता है इनका, उत्तेजनात्मक स्वभाव होता है। ईमानदार होते हैं बहिर्मुखी व्यक्ति, बेईमान होते हैं स्वभाव से। असामाजिक होते हैं ये सामाजिक होते हैं। तर्क प्रधान होते हैं और ये अहमवादी होते हैं। तो कहीं से भी अंतर्मुखी होना नकारात्मक गुण नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए आवश्यकता अनुसार दोनों प्रकार के गुण की आपको आवश्यकता होती है, मैं ये कह रहा हूं बस। तो ये इसकी तुलना हमने देखी, ठीक है। फिर देखेंगे इस स्प्रिंजर के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने अपनी पुस्तक टाइप ऑफ मैन में मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा है। किसकी बात कर रहे हैं हम, इस स्प्रिंजर की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है, मूल्यों के आधार पर, है ना भाई। तो आधार क्या है सबसे पहले ध्यान में रखना है, मूल्यों के आधार पर कितने भाग में, 6 भाग में व्यक्तित्व को विभाजित किया है, 6 प्रकार के व्यक्तित्व को बतलाया है। किसने, स्प्रिंजर ने, ठीक है। बुक का नाम क्या है इनका, टाइप ऑफ मैन। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है फिर भी ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखें इसीलिए ही क्लास में चर्चा की जा रही है। एक व्यक्ति सैद्धांतिक व्यक्तित्व, 6 प्रकार में से पहला प्रकार है सैद्धांतिक व्यक्तित्व। तो ऐसा व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति है वो व्यवहार की अपेक्षा सिद्धांत पर बल देता है, सिद्धांतों के अनुरूप व्यवहार पर बल देता है। तो व्यवहार की अपेक्षा सिद्धांत पर बल देता है। आर्थिक व्यक्तित्व का प्रकार जो है, ऐसा व्यक्ति धन व भौतिक सुख का इच्छुक होता है, धन व भौतिक सुख का इच्छुक होता है। धार्मिक व्यक्तित्व का जो व्यक्ति है वो ईश्वर तथा आध्यात्मिकता में ज्यादा आस्था रखता है, उसमें ज्यादा समर्पण होता है। राजनीतिक व्यक्तित्व का जो व्यक्ति है वो सत्ता प्रभुत्व व राजनीतिक विचार युक्त होता है। और सामाजिक व्यक्तित्व का जो व्यक्ति है वो परोपकारी, सत्य तथा मानवता में विश्वास रखने वाला होता है। कलात्मक प्रकार जो है व्यक्तित्व का, सौंदर्य तथा कला में विश्वास रखने वाला व्यक्ति होता है। तो स्प्रेंजर ने मूल्यों के आधार पर 6 प्रकार के व्यक्तित्व की बात कही है, 6 प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में बतलाया है स्प्रेंजर ने। किस आधार पर, मूल्यों के आधार पर।
इसके बाद हम देखते हैं व्यक्तित्व के पक्ष। तो व्यक्तित्व के प्रकार अलग अलग तरह से मैंने अभी आपको स्पष्ट किया या बताया। व्यक्तित्व के पक्ष कौन कौन से हो सकते हैं इसके बारे में हम बात करें तो गैरिसन एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के चार पक्ष बताए हैं, क्रियात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष, कारण संबंधी पक्ष और अन्य पक्ष। ठीक है, ये चार व्यक्तित्व के पक्ष हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। व्यक्तित्व की विशेषता के ऊपर हम बात करें, इसके ऊपर व्यक्तित्व की विशेषता के ऊपर हम बात करें तो ये व्यक्तित्व की विशेषता है। ये क्या है, व्यक्तित्व की विशेषता है आपके सामने। एक अच्छे व्यक्तित्व में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विविध प्रकार के अनेक गुण अंतर्निहित होते हैं। ठीक है, और अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं आपके सामने स्पष्ट है, सतत विकास, दृढ़ इच्छा शक्ति, सामाजिक होना, सांवेगिक स्थिरता, एकता तथा समाकलन, नैतिकता, समायोजन, आत्मचेतना, लगातार विकास करने का इच्छुक हो, लगातार विकास करता हो और लगातार विकास करने के लिए उसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वह सामाजिक हो और सामाजिक होते हुए भी उसके अंदर परिस्थितियों के मुताबिक स्थिरता हो। ठीक है, और वह एकता एवं समाकलन मतलब सभी को ले साथ लेकर चलने वाली बात के साथ हो, उस धारणा के साथ हो, तो सामूहिक एकता, सामाजिक सम्मिश्रण उसके अंदर हो। नैतिकता मतलब कि सामाजिक मूल्यों को स्वीकार करता हो, उसका आदर करता हो, उसका सम्मान करता हो, तो नैतिक गुण हो। समायोजन मतलब परिस्थितियों के मुताबिक ढलने की योग्यता रखता हो। ठीक है, और आत्मचेतना, इन सभी परिस्थितियों में आत्ममंथन की शक्ति जिसके पास है, व्यक्तित्व जिसके पास है, तो ये व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं हैं। और एक अच्छे व्यक्तित्व के अंदर, एक अच्छे व्यक्ति के अंदर ये सभी विशेषताएं होती है, तभी वह जा करके समग्र विकास की तरफ आगे बढ़ पाता है। अरे बात समझ में। तो यदि आप लगातार प्रयास करने के बावजूद असफल हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक अच्छे टीचर की या एक अच्छे मार्गदर्शक की आवश्यकता है। यदि आप लगातार असफल हो रहे हैं तो आपको एक अच्छे टीचर की, एक अच्छे मार्गदर्शक की आवश्यकता है। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपके आसपास आपको उस व्यक्ति को ढूंढना है और उसके बाद आत्ममनन, आत्मचिंतन की आवश्यकता है कि किस प्रकार से मैं गड़बड़ी कर रहा हूं और यदि मैं ये गड़बड़ी कर रहा हूं तो मेरे जो भी मार्गदर्शक है वो किस प्रकार से आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। हालांकि यदि आपका मार्गदर्शक अच्छा है, अनुभवी है और आंशिक रूप से ज्ञान है उनके पास, पूर्ण ज्ञान की तो संभावना ही नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, जीवन के अपने अनुभवों से थोड़ी बहुत जानकारी मैं रखता हूं और उसी थोड़ी बहुत जानकारी को लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं और इसी परिप्रेक्ष्य से आपसे भी जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं और व्यक्तित्व की अवधारणा के अंतर्गत यहां पर हमारा जो मूल तत्व है, जो पोषण है, वो कंप्लीट होता है। फिर भी मैंने नोट्स में व्यक्तित्व के सिद्धांत का कुछ अंश शामिल किया हुआ है, परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि पूछ भी दिया जाए तो फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, प्रतिपादक कौन है, सिगमंड फ्रायड। तो आपको क्या याद रखना है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का दिया हुआ है, तो सिगमंड फ्रायड या फ्रायड। ठीक है, शीला गुण सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं G.W. आलपोर्ट, खाली आलपोर्ट भी लिखा रहता है कई बार ऑप्शन में, R.B. कैटल, H.J. आइजेक, पॉल कोस्टा, रॉबर्ट मैके। ठीक है, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, तो एरिक एरिक्सन इसके प्रतिपादक हैं। हार्नी का व्यक्तित्व सिद्धांत, कैरेन हर्नी जो है इसके प्रतिपादक हैं, ये ध्यान रखिएगा।
फॉर्म का व्यक्तित्व सिद्धांत तो एरिक फॉर्म जो है इसके प्रतिपादक हैं, और एडलर का व्यक्तित्व सिद्धांत तो अल्फ्रेड एडलर इसके प्रतिपादक हैं। तो सिद्धांत और प्रतिपादक का नाम सिर्फ इतना जरूर पढ़ के जाइएगा अतिरिक्त रूप से, ये मेरा सलाह है आपको। तो बुद्धि की अवधारणा एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, तो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, तो ये वाला पोर्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नोट्स जो है मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इस टॉपिक के एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको कलेक्ट करते हुए अगली क्लास में हम एमसीक्यूज वगैरह के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और जो हॉस्टल वार्डन टेस्ट सीरीज द सीजीपीएससी कोच मोबाइल एप्लीकेशन में हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, वहां पे भी बुद्धि एवं विकास की अवधारणा के संभावित प्रश्नों को लेकर के टेस्ट सीरीज मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, कोई भी प्रकार का डाउट हो या कोई परेशानी हो या फिर क्लास कैसी लगी ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अपने निकटतम व्यक्तियों के साथ क्लास का जो लिंक है वो जरूर साझा करें। अगली क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी।